हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज़ रंजन। और दीपावली के मस्त तरीके के सेलिब्रेशन के बाद हम लोग आज फिर से यहाँ पर मिल रहे हैं इस न्यू सेशन के साथ। आई होप एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों ने दिवाली मनाई होगी, मस्त सेलिब्रेशन किए होंगे। लेकिन अब स्टडी टाइम है, ठीक है? तो अब हमारा एग्जामिनेशन धीरे धीरे और करीब आता चला जा रहा है, और अब हमको और ज़्यादा सीरियसनेस दिखाने का, और ज़्यादा एंगेज रहने का जो है अभी हाई टाइम है। ठीक, तो बढ़िया से प्रिपरेशन शुरू करते हैं। आज का एमसीक्यू अगेन बैक टू बैक हम लोग मस्त तरीके के अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बनाएंगे, और जितने भी न्यू कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे उसको कॉपी में नोट डाउन करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी किए। लेट अस टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसमें लिखा हुआ है एन इनिशियली रिलैक्स्ड आरसी सीरीज नेटवर्क विथ आर इक्वल्स टू 2 मेगा ओम्स एंड सी इक्वल्स टू 1 माइक्रोफेरेड इज स्विच्ड ऑन एट स्विच्ड ऑन टू अ 10 वोल्ट स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कितने का, 10 वोल्ट का। लिखा हुआ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आफ्टर 2 सेकेंड्स, द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक, चलिए भाई अब देखते हैं यहाँ से इसको किस तरीके से सॉल्व करना है सवाल को। देखिए, एक तो सबसे पहले बोला है आपका इनिशियली रिलैक्स्ड आरसी सीरीज नेटवर्क है, तो इनिशियली रिलैक्स्ड आरसी सीरीज नेटवर्क बेसिक सा सर्किट रहेगा, जैसे एक सिंगल मेश के जैसा जो कुछ सर्किट दिखाई देता है कुछ ऐसा। ये देखिए, दिस इज योर इनिशियली रिलैक्स्ड आरसी सीरीज नेटवर्क। सप्लाई कितने का दे रहे हैं? अच्छा चलो, आर और सी की वैल्यू पहले लिख देता हूँ मैं इसके अंदर। आर की वैल्यू है 2 मेगा ओम्स और सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो सी इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफेरेड। अब देखिए, इसको स्विच ऑन हम लोग कितने पर कर रहे हैं, 10 वोल्ट के सप्लाई पर, तो इनिशियल सप्लाई कितना है यहाँ पर, 10 वोल्ट। इनिशियल सप्लाई यहाँ पर कितना है, 10 वोल्ट। ठीक, 10 वोल्ट का स्टेप इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइड कर दिए। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ एंड देन ग्रेजुअली वो अपने डिस्कनेक्टेड मोड पर चला जाएगा, मतलब ओपन सर्किट स्टेट पर चला जाएगा फाइनली। तो देखते हैं जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब। तो हमको ये पता है, यहाँ पे हमको क्या पूछा है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आफ्टर 2 सेकेंड। वी सी इज गिवन एज वी इंटू 1 माइनस e टू द पावर -t/τ। इस फॉर्मूले से पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया हुआ है, अभी भी बनाएंगे मस्त तरीके से। तो टाउ मतलब क्या हो गया, टाइम कॉन्स्टेंट। टी जो है आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक है, और वी की वैल्यू आपको दे रखा है 10 वोल्ट। डायरेक्ट सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, कोई इसमें टेंशन की बात है ही नहीं। देखिए, इसकी ग्राफ जो है ना कुछ इस तरीके से चलेगी ऐसे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये डिस्कनेक्टेड स्टेट पर चला जाएगा, आपका कैपेसिटर जो है ये फुली चार्ज होने के बाद उसी कंडीशन यहाँ पर डिलीवर करेगा। तो ये जो पॉइंट है आपके पास टोटल 10 वोल्ट का है। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट बन जाएगा सवाल। तो आप लिखेंगे वी सी इक्वल टू 10 ब्रैकेट में 1 माइनस, अच्छा टाउ तो मैंने नहीं निकाला ना अभी, चलो टाउ निकाल देते हैं। हमको पता है टाइम कॉन्स्टेंट टाउ इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, आर सी। ठीक, सो टाउ इज इक्वल टू आर की वैल्यू है 2 मेगा ओम्स यानी 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड विथ 1 × 10⁻⁴ माइक्रो फैरेड। माइक्रो मतलब 10⁻⁶। ठीक है, +6 -6 हट गया, टाउ की वैल्यू 2। ठीक, अच्छा टी की वैल्यू कितनी है, ये भी 2 है, तो -2/2 ई के पावर पर, तो यानी ये कितना हो गया, -1। तो मतलब 10 ब्रैकेट में 1 - e टू द पावर -1, और ई का पावर -1 कितना होता है, 0.367 के आसपास होता है, 0.367। ठीक, सो दिस विल बी 10 - 10 × 0.367 यानी कि 3.67 के आसपास, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप तो 6.4 के आसपास का डेटा आपको मिलना चाहिए, मतलब 6.4 6.3 के आसपास कुछ, चलो 6.3 कर देते हैं टू बी एग्जैक्ट, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास ये दिया हुआ है, सी ऑप्शन सीधे सीधे मिल गया हमको। ठीक, तो डायरेक्टली बिल्कुल फॉर्मूला बेस आपको सॉल्व करना था, यहाँ पर सारा का सारा डेटा अवेलेबल है, स्टेप इनपुट आपको दे रखा है 10 वोल्ट का, यहाँ पुट करिए आंसर सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन का वेटेज जब ज्यादा होगा, जब लगेगा डिस्कस करने लायक डिस्कस करेंगे उसको, छोटे छोटे क्वेश्चन को तुरंत तुरंत बनाते जाते हैं। कोशिश करता हूँ मैं एज शॉर्ट एज पॉसिबल आपके लिए सेशन रखता हूँ, और लेकिन कंसेप्ट कुछ भी ना छूटने पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, लिखा था मेन पर्पज ऑफ यूजिंग कोर इन द ट्रांसफॉर्मर इज, ट्रांसफॉर्मर की जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं वो कोर पर ही क्यों करते हैं, उसको कोरलेस भी कर सकते हैं भाई, इंडक्टर फॉर्म करते हैं तो एयर कोर इंडक्टर फॉर्म करते हैं ना, तो ट्रांसफार्मर में भी एयर कोर कर सकते थे, कोर क्यों रखते हैं हम लोग यहाँ पे। दो पर्पज होता है जब भी ट्रांसफार्मर की आप बात करोगे, देखिए दो पर्पज से आप कोर जो है उसको पुट करते हैं वहां पर, क्यों। पहला पर्पज क्या होता है, सबसे फर्स्ट थिंग ये होता है कि आपको
फ्लक्स का सेटअप जो है वो सेकेंडरी साइड पर चाहिए, यहाँ पर। तो जब आपको सेकेंडरी साइड पर फ्लक्स सेटअप चाहिए तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ईएमएफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होने वाली। यहाँ जो आप ईएमएफ E2 पाएंगे, अगर यहाँ से आप सप्लाई दे रहे हैं, दिस इज योर प्राइमरी साइड, दिस इज योर सेकेंडरी साइड, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज V1 आप दे रहे हैं, तो इसके बदले इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको मिलना है। तो ये जो फ्लक्स का सेटअप होगा, ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोर मटेरियल जो होता है, हम लोग किस मटेरियल का सेलेक्ट करते हैं, कोई भी अच्छा गुड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैविंग लो रिलक्टेंस पाथ, हाई रिलेटिव परमिबिलिटी, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग कि भाई इसकी म्यू आर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, म्यू आर शुड बी वेरी मच हाई, रिलक्टेंस की वैल्यू शुड बी वेरी मच लो। क्यों? क्योंकि हमको एक हाईली कंडक्टिंग पाथ चाहिए। मान लो एयर कोर रख दिए तो क्या दिक्कत है भाई, एयर कोर की रिलेटिव परमिबिलिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू 1, विच इज फार स्मॉलर देन एनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की म्यू आर तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी ना, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के टर्म में रहती है। म्यू आर ऑफ एयर इज 1, मतलब बहुत ही खराब कंडक्टर है। तो अगर मुझे फ्लक्स का मैक्सिमम ट्रांसफर चाहिए और मुझे चाहिए कि यहाँ से जो लीकेज फ्लक्स जा रही है फाई एल, दिस शुड बी एज लो एज पॉसिबल, तो इसके लिए म्यू आर ऑफ द कोर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। कोर मटेरियल चाहिए जो अच्छा कंडक्ट कर सके। तो पहला कारण ये। दूसरा कारण ये, देखिए, प्रोवाइड द एफिशियंट फ्लक्स लिंकिंग बिटवीन द वाइंडिंग, वही प्राइमरी और सेकेंडरी का जो मैंने बताया, बिल्कुल राइट आंसर है। रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, नहीं, एडी करंट लॉसेस के लिए हमको फिर थिन लैमिनेटेड शीट्स के फॉर्म में उसको ब्रेक करना होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन बोलता है डिक्रीजेस द रिलक्टेंस ऑफ कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। कोर जितना अच्छा गुड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होगा, रिलक्टेंस उतनी ही कम होती चली जाएगी जितना म्यू आर बढ़ेगा। भाई फॉर्मूला क्या है इसका, एस इज इक्वल टू एल अपॉन ए टाइम्स ऑफ म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इसी से आप रिलेट करके देख लो, जैसे ही आप एक अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करेंगे, म्यू आर की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड एस ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगा। व्हाट इज एस? दिस इज रिलक्टेंस, उसी की बात कर रहा है, डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। राइट आंसर है। तो सब कुछ मिला के डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि बोथ ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कॉपी में आप लोग भी सॉल्व करते जाइएगा, मेरे से पहले आप लोग आंसर बताइए, उसके बाद इस पर वेरीफाई करिएगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को तो जल्दी से आंसर कर लेंगे आप लोग। लिखा हुआ है इफ 2 वाट मीटर्स कनेक्टेड टू मेजर द पावर इन अ 3 फेज बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड, बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड। ठीक, क्या रीड कर रहा है, W1 की रीडिंग, W2 की रीडिंग गिवन है। इफ द सेम लोड इज रीकनेक्टेड इन स्टार देन वॉट मीटर्स विल रीड, उसी सेम लोड को स्टार में कनेक्ट कर रहे हैं। तो सिंपल सा फंडा यार, जेड के लिए भी आप करते हो ये चीज, आर के लिए भी देखते हो कि आर का स्टार से डेल्टा में ट्रांसफॉर्म किया, और पी के लिए भी देखते हो। ठीक, तो पावर का कंडीशन है यहाँ पे और हम डेल्टा से स्टार की तरफ भेज रहे हैं, पावर इन डेल से पावर इन स्टार, इसमें कन्वर्जन करें तो क्या हो जाएगा भाई, 1/3 हो जाएगा। पावर इन डेल में अगर W1 और W2 की रीडिंग 12 किलोवाट और 15 किलोवाट की थी, तो यही W1 स्टार के केस में और ये W2 स्टार के केस में कितना हो जाएगा, 12/3, यानी कि 3 4s are 12 और 15/3 दैट इज 5 किलोवाट, 4 किलोवाट 5 किलोवाट। आगे अपना आंसर बिना कोई कंफ्यूजन के, तो 4 किलोवाट एंड 5 किलोवाट, यानी ऑप्शन सी जो है दिस इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। क्लियर है एकदम, बस। चलिए सब छोटे छोटे क्वेश्चन से जल्दी जल्दी बनाते जाएगा इनको मेरे साथ। लिखा हुआ है रैंप फंक्शन कैन बी ऑप्टेंड फ्रॉम अ यूनिट इम्पल्स फंक्शन एट टी इक्वल्स टू 0/, अगर हमको एक रैम फंक्शन चाहिए और किससे चाहिए, एक यूनिट इम्पल्स फंक्शन से रैम फंक्शन में कन्वर्ट करना है हमको, तो एट टी इक्वल्स टू 0 वो कैसे मिल सकता है। एक शॉर्टकट बताऊंगा, काफी रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ये शॉर्टकट अगर आप याद रख सकेंगे, एग्जाम में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, कोई फूरियर वूरियर पर जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। कैसे, देखिए एक कोड याद रखिए, एक छोटा सा कोड है, कोड है PRSI। ये कोड ध्यान रखिएगा, PRSI। जैसे जैसे मैं इसको नॉर्मली जब अपने पढ़ने के समय याद रखता था, तो मैं इसको याद रखता था पंडित रवि शास्त्री इंडिया वाले, ठीक है, इस तरीके से कि पंडित रवि शास्त्री इंडिया वाले, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आखिरी में क्या आया, आई आया ना, तो आई मतलब आखिरी वाले टर्म को मान लीजिए इंटीग्रेशन, इस टर्म को मत मानिए, मतलब इसके बगल में लिख दीजिएगा इंटीग्रेशन, यहां से उल्टा अगर पीछे जाएंगे तो इंटीग्रेशन लिख दीजिए, इस तरफ लिखिए, इसका अपोजिट दूसरी तरफ अगर जाएंगे तो डिफरेंशिएशन। क्यों लिखवा रहा हूं मैं, अभी देखिएगा समझ आ जाएगा आपको। व्हाट इज पी, ये पी बेसिकली स्टैंड कर रहा है, दिस इज पैराबोलिक फंक्शन। व्हाट इज आर, दिस इज रैंप फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज स्टेप, और ये क्या है, दिस इज इंपल्स।
इम्पल्स या यूनिट इम्पल्स, ठीक है। क्वेश्चन अब समझिए और देखिए, आपके सामने सोल्यूशन का छोटा सा शॉर्टकट रखा हुआ है, कॉपी में बगल में इसको ड्रॉ कर लीजिए। पी आर एस आई का कोई भी कोड अपनी मर्जी से आप बना लीजिए। पी आर एस आई अगर आपको प्रॉपर इसी फॉर्म में सीक्वेंस में याद है ना, आखिरी डिजिट जो है वो आई है, मतलब आखिरी अल्फाबेट जो है दैट इज आई, तो इससे इंटीग्रेशन शुरू होता है उल्टा अगर जाएंगे तो, और पी से आई की तरफ अगर आप जाते हैं तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको बोलता है क्या ऑप्टेन करना है, रैम फंक्शन मतलब ये ऑप्टेन करना है, ठीक। किससे ऑप्टेन करना है, यूनिट इंपल्स से ऑप्टेन करना है, ठीक है। वेयर इज योर यूनिट इंपल्स, हियर। तो अगर यूनिट इंपल्स से रैम की तरफ आएंगे, देखिए आपका आंसर आ गया होगा अभी तक, ठीक है, आपके माइंड में आंसर आ गया होगा कि देखिए यहां से यहां तक के लिए क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन, क्लियर। फिर एस से आर मतलब स्टेप से रैम तक आने के लिए फिर एक बार इंटीग्रेशन करूंगा। कितनी बार इंटीग्रेशन किया मैंने, डबल इंटीग्रेशन किया, दो बार इंटीग्रेशन किया, ठीक है। चलिए तो डिफरेंशिएटिंग का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, क्लियर है ये वाला पॉइंट सभी को। इंटीग्रेटिंग द यूनिट इंपल्स फंक्शन वंस, रॉन्ग भाई। एक बार अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे स्टेप आउटपुट मिलेगा, खाली स्टेप फंक्शन मिलेगा, वो नहीं चाहिए, रैम्प चाहिए। अब मान लो पैराबोलिक बोलता तो तीन बार इंटीग्रेट करता, अभी रैम्प पूछा है, दो ही इंटीग्रेशन से आंसर आ जाएगा। बोलिए ये फंडामेंटल आसान लगा कि नहीं लगा, जल्दी से बताइएगा। एकदम इजी सा फंडामेंटल, अगर ये आप याद रख सकें एग्जामिनेशन में मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही मस्त इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक्स आप सबके लिए अवेलेबल रहेगा इन सेशन पे, बस सेशन को पूरा देखिएगा, टिल द एंड देखिएगा, मजा आएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, तो फंक्शन एफ ऑफ टी इज अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 1.1 टी प्लस साइन 3.3 टी हैज द टाइम पीरियड ऑफ, इसका टाइम पीरियड जो है वो कितना है, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं फंडामेंटल फंक्शन से, लेट अस टेक इट्स फंडामेंटल फंक्शन। फंडामेंटल पीरियड की मैं बात करता हूं, यहां पे फंडामेंटल पीरियड जो है दैट इज 1.1, दैट इज 1.1, मतलब मेरे पास ओमेगा टी की वैल्यू जो है दिस इज 1.1। व्हाट इज ओमेगा टी, 2π f t, 1.1, ठीक है। अच्छा, ओमेगा के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये 1.1 है, तो दैट इज इक्वल टू 2π f, और f जो है ये हो गया 1.1 अपॉन 2π, लेकिन मुझे f नहीं चाहिए, मुझे क्या पूछा है इसने, टाइम पीरियड पूछा है। तो अगर मैं टाइम पीरियड फाइंड कर रहा हूँ, टाइम पीरियड अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ, ये टाइम इंस्टेंट जो है वो इससे अगर मैं निकालूं, तो दिस विल बी 1 अपॉन f, तो इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, टाइम इंस्टेंट टाइम पीरियड के फॉर्म में इसको लिखूंगा। हाँ जी, अब सही है, कैपिटल टी स्टैंड फॉर टाइम पीरियड, स्मॉल टी इंस्टेंट के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो स्मॉल टी अगर मैं लिखता तो वो गलत हो जाता वहां पर, कैपिटल टी इज करेक्ट, और फंडामेंटली लिखना जरूरी है। वैसे तो लिखने के लिए कई जगह किताब में स्मॉल टी से लिख के छोड़ देता है, बट वो मीनिंग वाइज गलत हो जाएगा, कैपिटल टी को ही हम पीरियड के लिए यूज करते हैं, तो आप भी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़िएगा चीजों को। तो दिस इज 1 अपॉन f, मतलब इसका मैं रिवर्स कर दूं तो टाइम पीरियड मुझे मिल जाएगा दैट इज 2π अपॉन 1.1, ठीक है। तो 2 अपॉन 1.1, ये 11 मान लिया, 0.5, 2 5 10, 2 5 10, 0.55, दिस इज माई 0.55, और ऊपर तो पाई है ही, पाई बाई 0.55। या तो इस फॉर्म में छोड़ सकते थे 2π अपॉन 1.1, यहाँ पाई अपॉन 1.1 है, 2π अपॉन 1.1 नहीं है, तो मेरे मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं इसको और डिवाइड कर दूँ, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल मशीन से आ रहा है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। मशीन से आया हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ है, डीसी शंट मोटर का सवाल। जैसे ही जब ऐसा मशीन का स्पेसिफिकेशन बता देता है आपको, दिमाग में सर्किट आपके बन जानी चाहिए। जैसे डीसी शंट मोटर मेरे मुझे बोला इसने, ठीक है, तो मैंने यहाँ माइंड में डीसी शंट मोटर का ये डायग्राम अज्यूम कर लिया। ऑब्वियसली डेटा को देखते हुए मुझे समझ में आ रहा है कि इंटरनल सर्किट फॉर्म तो है नहीं, कि उसमें जेड दिया हो, ए दिया हो, इस तरीके की दिया हो, पैरल पाथ स्लॉट्स ये सब दिया हो, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म है, तुरंत ही सर्किट ड्रॉ कर लीजिए। अब डीसी शंट मोटर है, आपको क्या बोलता है इसमें कि 220 वोल्ट का सप्लाई है, 220 वोल्ट डीसी हम इसको यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। टेक्स अ लाइन करंट ऑफ 11 एम्पियर, यहाँ से 11 एम्पियर की टोटल लाइन करंट ले रहा है ये। इट हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम्स, यानी आर ए की वैल्यू 0.2। बैक ई एम एफ यहाँ पे पूछा होगा, मुझे लगता है यही पूछा है। एंड द फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 220 ओम्स, 220 ओम्स का फील्ड रेजिस्टेंस। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ही डायरेक्ट है, इसके फॉर्मूले पे बाद में आएंगे। सबसे पहले तो आप देखिए 220 यहाँ पे है, इसको तो ओम्स लॉ से ही बना दो आप, खत्म कर दो। 220 यहाँ पर है, 220 वोल्ट भी यहाँ पर होगा, तो मतलब करंट कितनी होगी यहाँ पे, 1 एम्पियर, मतलब यहाँ से कितनी करंट टोटल, 10 एम्पियर। ये समझ आ गया, 11 था, 1 एम्पियर इस फील्ड इसके शंट फील्ड से जा रही है, तो 10 एम्पियर पूरी की पूरी इसकी आर्मेचर में जा रही होगी, ठीक। चलिए अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे, अब लिखते हैं बैक ई एम एफ ई बी इज इक्वल टू 220, यानी कि टोटल
जो वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज 220 माइनस इस तरफ का या इस तरफ का, कहीं का भी आप इनपुट ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 10 10 इंटू आर ए, ठीक है, क्योंकि मुझे बैक ईएमएफ चाहिए तो मुझे इसी लाइन पर लिखना होगा। तो मैं ई बी इज इक्वल टू 10, यानी कि देखो ब्रश ड्रॉप दिया नहीं है, ब्रश ड्रॉप कोई सीन नहीं है, नहीं लिखेंगे उसको। और आर्मेचर करंट 10, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। तो अपना बैक ईएमएफ आएगा 220 माइनस 2, दैट इज 218 वोल्ट्स। पहला ही ऑप्शन है, सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट बनेगा। मशीन को देख के टेंशन में नहीं आना है, सब आराम से बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। मशीन के अभी और इंडक्शन वगैरह के भी क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए देखो, मैं बोल ही रहा था इंडक्शन का भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चलिए इसको देखते हैं जरा ये क्या क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, अ 3 फेज 6 पोल इंडक्शन मोटर ऑन द फुल लोड रन सेट 920 RPM। 3 फेज इंडक्शन मोटर फुल लोड पे 920 RPM पे घूम रहा है, ठीक। इट इज सप्लाइड फ्रॉम अ 4 पोल ऑल्टरनेटर रनिंग एट जितना भी RPM है। कैलकुलेट द फुल लोड स्लिप, क्या कैलकुलेट करने बोला, फुल लोड स्लिप फाइंड करने बोला। अज्यूम अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 Hz, फ्रीक्वेंसी भी दे दिया हमको, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। देखिए अपने काम काम का डेटा कितना है, नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पर 6 पोल्स का मशीन है, ठीक है, बढ़िया। इंडक्शन मोटर रन सेट, इसका स्पीड जो है NR जो है वो कितने का दिया हुआ है, 920 RPM दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। इट इज सप्लाइड फ्रॉम अ 4 पोल ऑल्टरनेटर, इससे मतलब नहीं हमको, हमको क्या फाइंड करना है, स्लिप फाइंड करना है। और हाँ फ्रीक्वेंसी हमको दे के रखा है यहाँ पे 50 Hz, इतना डेटा गिवन है और पूछा है हमको स्लिप। अब स्लिप कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, भाई स्लिप कैलकुलेट करने का तरीका है एस इज इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS। एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है, भाई NR तो दिया हुआ है हमको तो उससे कोई टेंशन है नहीं, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए NS मिसिंग है। तो NS फाइंड कर लेते हैं ना पहले, NS सिंक्रोनस स्पीड 120 F/P, 120 F/P, 120 × 50/6। इसका आंसर पता है मुझे कि 1000 ही होता है, 6 × 12, 2 × 5 × 10 हो गया 1000, 1000। तो ये 1000 आ गया, तो दिस इज 1000 माइनस 920 / अगेन 1000, माइनस कर दो 20 सॉरी 80/1000, ये कट गया 8/100, दैट इज इक्वल टू 0.08, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लिप। सीधे सीधे कैलकुलेशन करना है, दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है इसमें, फॉर्मूला बेस्ड है यार ये सब, मशीन में ना बहुत ईजी रहता है, बल्कि मशीन से ज़्यादा आपको नेटवर्क में दिमाग खर्च करना पड़ेगा। मशीन में तो सारी चीज़ें फिक्स्ड है कि बस डेटा आपको बस पहचानना आना चाहिए कि कौन सा डेटा कहाँ का दिया है, कितना डेटा यूजफुल है, कितना डेटा छोड़ना है आपको, ठीक है। बस अगर इतना आता है तो मशीन बहुत आसान है दूसरे चीज़ों के कंपेरिजन में। बस हाँ आपको सोचना रहेगा प्रॉपरली कि जो चीज़ जहाँ का बोला है, कहीं पे कुछ वाइंडिंग्स का कुछ बताया या थ्योरेटिकल जब क्वेश्चन आता है उसमें ज़्यादा सोचना रहता है। ऐसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को तो तुरंत तुरंत बना दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चलिए। तो अगला सवाल फिर से मशीन का ही दिख रहा है मुझे, 12 पोल का इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर से खूब क्वेश्चन दिखाई देते हैं आजकल। तो 12 पोल का इंडक्शन मोटर है, इट इज फेड फ्रॉम 100 Hz की सप्लाई, फ्रिक्वेंसी दे दिया। इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रोटर, अच्छा एफ डैश भी दे दिया आपको या एफ आर की वैल्यू जो है वो भी दे दिया 2 Hz का। तो फाइंड द फुल लोड स्पीड, अब इस बार क्या पूछा आपको, फुल लोड स्पीड पूछ रहा है आपको, फुल लोड स्पीड पूछ रहा है मतलब बेसिकली NR की वैल्यू पूछ रहा है आपको, ठीक। नंबर ऑफ पोल्स 12, ठीक। सप्लाई फ्रीक्वेंसी ये दिया है आपको 100 Hz, ठीक है, ऑफ द रोटर EMF, हाँ। और यहाँ पर आपको FR की वैल्यू दिया हुआ है 2 Hz, स्लिप निकल जाएगा इन दोनों के हेल्प से। फाइंड द फुल लोड स्पीड, चलिए ठीक है। फुल लोड स्पीड कैसे निकलेगा भाई, फुल लोड स्पीड निकालने के लिए फंडामेंटल है मेरे पास, NR इज इक्वल टू NS ब्रैकेट में 1 माइनस S। कहाँ से आया ये आया इसी फॉर्मूले से, ये जो मैंने अभी पिछले पेज में लिखा था ना, S इज इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS, ये लिखा था मैंने, इसी से ये वाला फंडामेंटल आता है, इसी से ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। इसी को आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो यही फॉर्मूला मिलेगा। खैर अभी फॉर्मूला डिराइव करना मेन थिंग नहीं है, अभी मेन है कि इससे रिजल्टेंट कैसे निकालें। तो देखिए आपको सबसे पहले स्लिप चाहिए, अगर स्लिप मिल गया तो NS निकाल लोगे आप 120 F/P करके, और NR उससे बन जाना है। तो पहले स्लिप पे आते हैं, स्लिप कैसे निकालेंगे हम लोग, हम लोग लिखेंगे एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एफ एस। तो एस इज इक्वल टू एफ आर बाई एफ एस, एफ आर की वैल्यू 2 गिवन है, एफ एस की वैल्यू आपको 100 गिवन है, तो दिस इज इक्वल टू 0.02। स्लिप की वैल्यू मिल गई आपको, स्लिप पुट कर दो यहाँ पर, इसमें पुट कर दीजिए, NS की वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए। चलिए NS इज इक्वल टू 120 F/P,
तो दिस इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 100 डिवाइडेड बाई पोल्स दैट इज 12, ये हो गया 10 और दैट इज इक्वल टू 1000। तो एन एस की वैल्यू आ गई 1000 मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस एस। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एन एस की वैल्यू कितनी है अपने पास, एन एस की वैल्यू इज 1000, हम लोग लिखेंगे एन आर इज इक्वल टू 1000 ब्रैकेट में 1 माइनस एस, एस की वैल्यू 0.02 या फिर 2/100 जैसा भी आप लिखना चाहें, 2/100 ठीक लिख लिए। तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 0.02 दैट इज 20, तो ये हो गया 980। दिस इज द वैल्यू ऑफ एन आर, 980 आरपीएम। क्लियर है क्या, बोलिए बन जाएगा आप सभी से क्वेश्चन, फंडामेंटल समझना है। देखिए फॉर्मूला वही वही है, घूम फिर के किसी ना किसी फॉर्म में वही उसी चीज से आपसे क्वेश्चन बन रहा है। जब अलग और भी वैरायटी आएंगी इसके अंदर वो भी हम लोग बनाएंगे, बट इसमें देखिए इस टाइप के टिपिकल क्वेश्चन जो होते हैं ये छूटने नहीं चाहिए आपसे, ये तो एकदम बेसिक है, ये बनेगा ही बनेगा ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन छूट रहे हैं एग्जामिनेशन में तो दैट इज अ बिग लॉस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये तो बनेंगे ही बनेंगे पेपर में ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आया हुआ, लिखा हुआ है थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सप्लाई ऑफ अ फेज वोल्टेज 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज सप्लाइंग अ थ्री फेज स्टार कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड ऑफ 5 ओम्स पर फेज। रेजिस्टिव लोड है, इसको ध्यान रखना है। फाइंड द टोटल एक्टिव पावर ऑफ फेज इन द टर्म्स ऑफ फेज सप्लाई टू द लोड। भाई एक्टिव पावर इन द टर्म्स ऑफ फेज को कैसे एक्सप्रेस करते हो आप, दिस इज इक्वल टू थ्री फेज है तो थ्री टाइम्स ऑफ वी पी एच इंटू आई पी एच इंटू कॉस फाइव, ऐसे ही लिखते हैं। लोड किस टाइप का है, रेजिस्टिव है, तो आइडियल कंडीशन अज्यूम करते हुए कॉस फाइव की वैल्यू को यूनिटी कर सकते हैं हम लोग ठीक है। तो कॉस फाइव यूनिटी हो गया, वी पी एच आई पी एच, तो सबसे पहले काम करते हैं आई पी एच फाइंड कर लेते हैं। आई पी एच इज इक्वल टू वी पी एच है 100 और आर की वैल्यू है 5, दिस इज 20 एम्पियर्स, आई पी एच आ गया, बस हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। दिस इज थ्री टाइम्स ऑफ 100 इंटू 20, थ्री टाइम्स ऑफ 100 इंटू 20, कॉस फाइव तो यूनिटी है, 3 × 6 6000। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही यार आपको, आप सीधे सीधे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, फॉर्मूले पता है आपको, लॉजिक पता है कि क्वेश्चन में पहचान जा रहे हैं कि डेटा क्या गिवेन है कैसा उसको यूज करना है, तो आपको ऑप्शंस की तरफ देखने की भी नीड नहीं, आप तुरंत बता सकते हैं आंसर। बट हाँ ऑप्शन देख के हम स्मार्टली आंसर कर सकते हैं, ये एक बेनिफिट होता है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से, 8 क्वेश्चन बना लिया हम लोगों ने। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख करके बनाइए, मेरे बनाने से पहले आप लोग आंसर कर दीजिए तो और मजा आ जाएगा मुझे। लिखा हुआ है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म ऑफ करंट इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। इस क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको ठीक है, एकदम मस्त से बताऊंगा, क्योंकि ऐसे वाले लॉजिकल क्वेश्चन या ऐसे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत थोड़े से दिखते हैं पेपर में ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर हम हैंडल कर पा रहे हैं ना, तो एग्जामिनेशन में वो पार्ट जो छूट जाता था वो भी अब हैंडल हो जाएगा आपसे ठीक। अब बाकी इजी वाले क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा आपको, इजी वाले क्वेश्चंस आप बना लोगे वो तो आपसे बनेगा ही बनेगा, वो भी करवाऊंगा आपको सेशन में मिक्स, इसीलिए मैं रखता हूँ कि हर वैरायटी के क्वेश्चन रहेंगे ठीक है, बट बहुत ज्यादा उस पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन में इसलिए नहीं करता हूँ। चलिए ठीक है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म ऑफ द करंट इज गिवन इन द फॉलोइंग सर्किट। +9 से ये -9 -18 तक जा रहा है ठीक है, -9 ये वाला पॉइंट अपने को दिखाई दे रहा है, उधर +18 से -18 जा रहा है, इधर -9 टू +9 के बीच का हम लोग कंडीशन देख रहे हैं यहाँ ठीक। रिप्रेजेंट द करंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म करंट की दी हुई है और आपको बोलता है कि द करंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे एक्सप्रेस होगा। 18 साइन समथिंग +30 कॉस -150 बहुत कुछ दिया हुआ है ठीक। मैं इस ग्राफ को लेकर के चलता हूँ और इसको जरा ऑपरेशन थिएटर में ले चलते हैं, देखते हैं कि इससे क्या समझ आ रहा है। चलिए देखते हैं, देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंडीशन अगर आप समझ गए, मैं आपको बिना ऑप्शन ऑप्शन देखने के लिए मैं बोल ही नहीं रहा हूं, बिना ऑप्शन देखे पहले बेसिक कंडीशन बताइए फिर ऑप्शन पर चलेंगे, ऑप्शन के थ्रू इस बार एलिमिनेशन बताऊंगा आपको। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला ना कि भाई ऑप्शन की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट बना ले लो। चलो इस क्वेश्चन में आपको मैं ऑप्शन को यूटिलाइज कैसे करोगे वो बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो लेट अस अज्यूम इस पूरी ग्राफ के अंदर हमारा जो ये वेव फॉर्म है ये यहाँ से कहीं से शुरू हो रहा है, ये इसका जीरो पॉइंट है ठीक है। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है इसमें टी इक्वल टू जीरो मान सकता हूं मैं, मतलब वो जो कंडीशन है, देखिए इसकी कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन ठीक। सो एट टी इक्वल्स टू जीरो वैल्यू ऑफ करंट आई कितनी है बोलिए, एट टी इक्वल टू जीरो वैल्यू ऑफ करंट आई इज 9 एम्पियर्स, ये पहली कंडीशन है मेरे पास ठीक है। इसको थोड़ा और सही तरीके से लिखना चाहिए कि आई जीरो इज इक्वल टू 9 एम्पियर, ये सभी को समझ में आ गया
ठीक है भाई। सेकंड कंडीशन इसमें ये रख लीजिए आप, केस टू, दिस वाज द फर्स्ट केस। सेकंड कंडीशन ये है एट, देखिए इस पॉइंट पर मैं मानता हूँ कि यहाँ कहीं पर कुछ 30 की वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। मान लो ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज समवेयर अराउंड 30 डिग्री, ठीक है। सो एट टी इक्वल्स टू 30, अभी सेकेंड्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं इसको, ओमेगा टी के फॉर्म में, ओमेगा के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, तो करंट आई एट 30 जो है वो कितनी है इस पॉइंट पर, बोलिए करंट कितनी है? 0 एम्पियर दिख रहा है हमको सीधे सीधे, 0 एम्पियर। इसी दो सिचुएशन को मुझे यूज करना है, ठीक है। इसी दो सिचुएशन को मुझे क्या करना है, इसी दो सिचुएशन को वेरीफाई करना है, और जो भी इक्वेशन इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वही मेरा आंसर होगा। चलो अप्लाई करके देखते हैं, लेट अस अप्लाई। ए ऑप्शन पर चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलो देखते हैं ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है। 18 sin ωt प्लस 30 डिग्री, क्या लिखा हुआ है? 18 sin ωt प्लस 30 डिग्री। चलिए एक काम करते हैं, ये सभी ऑप्शंस को मैं लेकर के चलता हूँ बोर्ड पर और वहाँ इसको स्टडी करते हैं जरा, ठीक है। देखिए सारे के सारे ऑप्शन मैंने बगल में रख दिए, अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ऑप्शन ए। ध्यान से देखिएगा, आई ऑफ टी कितना दिया हुआ है, इसको फर्स्ट कंडीशन पे चेक करिए। देखिए आई टी इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो आई ऑफ 0 जो है, आई ऑफ 0 जो है ये कितना हो जाएगा, 18 sin, भाई ओमेगा टी पूरा 0 हो गया, तो 0 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ऐसा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे होगा प्लस 30 डिग्री, यानी कि 1/2, 30 डिग्री मतलब 1/2 हो गया sin 30, और ये 18, तो आई ऑफ 0 जो है वो मेरा कितना आ रहा है, 9 एम्पियर। बोलिए पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, डन। तो हो सकता है कि आंसर की तरह लगे, सेकंड कंडीशन भी देख लेते हैं इसी के अंदर। अब मुझे चाहिए आई ऑफ 30 इक्वल टू कितना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए इस ग्राफ के अंदर, लेकिन मैं अगर वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 18 sin ऑफ 30 प्लस 30 डिग्री, ऐसे ही होगा। दिस विल बी इक्वल टू 18 sin ऑफ 60 डिग्री, तो फर्दर इट विल बी 18 sin ऑफ √3/2। सॉल्व कर दो, दिस विल बी 9 टाइम्स ऑफ, साइन नहीं आएगा, सॉरी 18 × √3/2, सो दिस विल बी इक्वल टू 9√3। नहीं आ रहा है 0, नहीं हो रहा है ये क्वांटिटी 0, तो मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता आपका, ये ए ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। उसी तरीके से कोसाइन वाले में पुट करके देखिएगा आप, कोसाइन में आप पुट करेंगे, अब आप डायरेक्टली ये चीज़ कर सकते हैं, आप फंडामेंटल अगर समझ गए होंगे तो इसके अंदर आप एक बार क्या पुट करेंगे, एक फर्स्ट कंडीशन में आप 0 पुट कर दिए तो 0 −150 डिग्री नहीं आएगा। अच्छा दूसरे कंडीशन में आप 30 डिग्री पुट कर देंगे, उस कंडीशन में आप वैल्यू देख लीजिए। सी ऑप्शन में भी आप यही करिए 60 के साथ, तो 60 के साथ मतलब जब आप sin 30 पुट करेंगे, मतलब साइन में 30 + 60 पुट करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री होने की वजह से सीधे वो 1 हो जाएगा और आंसर में आपका क्या बच जाएगा, 9, लेकिन उस पॉइंट पे आंसर कितना होना चाहिए, 0। तो ये भी ऑप्शन गलत है आपका, ये भी ऑप्शन गलत है। एलिमिनेशन से मिल गया आपको डी ऑप्शन, लेकिन डी को सॉल्व करके देखें जरा। चलो डी ऑप्शन को मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ पूरा। केस वन चेक करते हैं इसके अंदर, केस नंबर वन मतलब एट टी इक्वल्स टू 0 आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9 एम्पियर, ठीक है। आई 0 जो है दिस शुड बी इक्वल टू 9 एम्पियर। सॉल्व करें, चलिए ठीक है देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 18 sin ωt, ओमेगा टी मतलब 0 प्लस 150 डिग्री, ये एक्सप्रेशन। तो 150 डिग्री जब आप पुट करोगे तो दिस विल बिकम sin ऑफ 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 9 एम्पियर। फर्स्ट केस इज वेरीफाइड, पहला केस वेरीफाई हो रहा है। अच्छा सेकेंड केस वेरीफाई होगा या नहीं होगा, चलिए केस टू भी देख लेते हैं इसी का। सेकेंड केस में हमको चाहिए कि जब टी इक्वल्स टू 30 मैं पुट कर रहा हूँ तो इसका मतलब आई ऑफ 30 जो है दिस शुड बी इक्वल टू 0 एम्पियर, है ना। चलो पुट करता हूँ, वैसे दिख ही रहा है कि जैसे मैं इसमें 30 पुट करूंगा 180 डिग्री हो जाएगा, पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आएगी। आई ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 18 sin 30 प्लस 150 डिग्री, सो दिस विल बी एंटायरली 18 sin 180 डिग्री। और 18 sin 180 डिग्री आप पुट कर लो, साइन का 2π जो है वैसे ही, या पाई या 2π के फॉर्म में जब हम लोग इसमें पुट करते हैं, ये वैल्यू पूरी की पूरी आपको 0 मिलती है। तो ये वाली इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है कंप्लीट कंडीशन को। आई होप आपको ये डेटा के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो मतलब इस ग्राफ को अगर कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ये इक्वेशन, मतलब इक्वेशन डी जो है वो कंप्लीट कर रही है, ठीक है।
बाकी इक्वेशंस में से आधा कंडीशन मैच हो रहा है, आधा कंडीशन किसी में नहीं मैच हो रहा है, ठीक। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। लेट अस टेक द क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये आपको, दिया हुआ है क्वेश्चन में जेनर डायोड। जेनर डायोड की कंडीशन में आपको दिया हुआ है सर्किट डायग्राम में, जीरो रेजिस्टेंस का जेनर डायोड है अपने आइडियल कंडीशन पर, और नी करंट इसकी जो जा रही है यहाँ से वो 5 mA की जा रही है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलते हैं, वहीं पर इसको सॉल्व करेंगे। तो जेनर डायोड लगा हुआ है, नी वोल्ट नी करंट जो है वो आपको दे करके रखा है 5 mA की, और आपको पूछा है देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर सो दैट द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड डज नॉट फॉल बिलो 6। यहाँ की वोल्टेज 6 वोल्ट से नीचे ना जाने पाए उसके लिए आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। चलो जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के एकदम मस्त से नोट करके पढ़िएगा, नहीं तो सिर्फ कहानी की तरह हो जाएगा। और हमको अभी एग्जाम टाइम में खुद बना करके देखना है, उसकी वैल्यू अलग है। आपके नोट्स में ये चीज़ें जब आपके हाथ से बनी हुई होंगी ना तो उसकी वैल्यू डिफरेंट रहेगी। चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ से जो करंट है वो 5 mA का जा रहा है, ठीक। वोल्टेज मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक का 6 वोल्ट, तो मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी मुझे वोल्टेज समझ में आ गया 6 वोल्ट। बस रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक चीज़ चाहिए कि मुझे करंट की वैल्यू चाहिए। ये IR अगर मिल गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। IR निकालना बड़ा ईजी है, कैसे? देखिए मैं यहाँ पर KVL अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग KVL। देखिए बहुत आसान तरीके से आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जब आप KVL अप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 8.5 + 8.5 100 में। अब भाई इस ब्रांच में कोई करंट आप अज्यूम कर लो, ID रख लो, चलो ठीक है डायोड के थ्रू जाने वाली करंट। तो प्लस आप लिखोगे माइनस 100 टाइम्स ऑफ ID, और उस तरफ क्या लिखना, सीधे वोल्टेज लिख दो आप, -6 = 0 वोल्टेज लिख दीजिएगा। वोल्टेज पता है ना, तो हम I × R करने का तो कोई सीन ही नहीं बनता है। तो वोल्टेज पता है 6, हम लोग इसको लिख लिए। तो दिस वैल्यू विल बी 2.5 -100 टाइम्स ऑफ ID = 0, और -100 टाइम्स ऑफ ID = -2.5। I(D) = 2.5/100, that is equals to 25/1000, this is equals to 1/40, that is equals to 25 mA। करंट जो है यहां से जाने वाली करंट कितनी आई मेरे पास, 25 mA। अभी देखिए इजी हो गया क्वेश्चन, 25 mA की करंट आई, 5 mA जो है वो डायोड के थ्रू जा रही है, तो बच कितनी गई रेजिस्टेंस में जाने के लिए, भाई 20 mA। तो अब बोलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आर विल बी इक्वल टू 6/20 mA, मिली एम्पियर में है, ये चीज ध्यान रखिएगा। दिस इज इक्वल टू 3/10 या 0.3, यानी कि, और मिली एम्पियर में तो ऊपर चला गया 3 का पावर, दिस विल बिकम 300 ohms। ये हमारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, अगर ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन गलत है, ठीक है। हम लोगों ने बिल्कुल 100% सही सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं, 1600 450 300 ohms दिया हुआ है, डी ऑप्शन बन जाएगा। देखिए एकदम मस्त सा प्यारा सा क्वेश्चन था ये। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फिर से डायोड दिखाई दे रहा है, स्विच विच लगा हुआ है, घबराना नहीं है इससे, देखिए एकदम आसान तरीके से बनेगा ये भी क्वेश्चन। लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग फिगर, इफ सी इज इक्वल टू इतना, एल इज इक्वल टू इतना, एंड वी नॉट इज इक्वल टू 100 वोल्ट्स, तो पीक करंट थ्रू द डायोड जो है वो कितनी होगी। तो पीक करंट थ्रू डायोड, आई पीक फॉर्मूला जो है, अगर आपने इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा हुआ है इन सब टॉपिक्स को, तो आप लिखेंगे आई ऑफ पीक इज इक्वल टू वी नॉट √C/L। बिल्कुल एक ही ब्रह्मास्त्र है, अप्लाई कर दीजिए इसको, ना बने तो बताइए। आई ऑफ पीक इज गिवन एज वी नॉट इंटू √C/L। सी की वैल्यू आपको कितना गिवन है यहाँ पर, चलिए वी नॉट कितना दिया हुआ है, सबसे पहले तो वी नॉट 100 दिया हुआ है, √C की वैल्यू 10 μF, 10 × 10⁻⁶, L की वैल्यू 1 × 10⁻³। इसको ऊपर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 100 × 10⁻⁶, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, चलो ठीक है, ये हो गया −6 × 10⁻³+3/1, तो ये हो जाएगा 100 × ये हो गया 10⁻³, और कम कर दो 10⁻²/1, तो 10⁻², मतलब 1/100 रूट के अंदर, और इसका मतलब हो गया 100 × 1/10, that is equals to 10 amperes। खत्म कहानी, आ गया क्वेश्चन का आंसर। देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं इसीलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि कोई भी स्टेप पे आपको कंफ्यूजन ना जाए, क्योंकि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं इस लेक्चर को।
लाइव होता तो मैं आपको उसी समय बता देता कि इसमें यहाँ से सीधे इस स्टेप पे ले आता मैं आपको, बट रिकॉर्डेड है तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई भी बच्चा देख रहा होगा जो इस पॉइंट पे उसको ना समझ में आए, इस पॉइंट पे ना समझ में आए, तो सारा का सारा पॉइंट मैंने इसलिए ऑन स्क्रीन पर लिख दिया है। ठीक है, चलिए, कैलकुलेशन पार्ट था बिल्कुल ईजी, टी टी इक्वल टू जीरो पर ही सारी कंडीशन पूछी हुई थी, बता दिए हम लोग इसको। नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल आपको क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज इन द सर्किट शोन बिलो। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, देखिए कैलकुलेट सभी कर लेंगे केवीएल से, केसीएल से, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, जिससे बनाना है आप इसको बना सकते हो, लेकिन बेनिफिट उसी बंदे को मिलता है जो जल्दी सॉल्व करता है, जो सबसे पहले जो सॉल्व करे। तो इसमें ईजिएस्ट पॉसिबल वे लगाइए आप, सबसे आसान तरीका, केसीएल भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे, टाइम लगेगा लेकिन मत बनाइए उससे। बेटर ये है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर वीटीएच निकालने के लिए, मैं आपको छोटा सा फंडामेंटल बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए 12 एम, ये एक ही मैश है, ये ओपन सर्किट है, इसको छोड़ दो अभी, यहाँ कोई मैश नहीं है। ये 12 एम्पियर की करंट जब यहाँ से आती है तो मेरे पास इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा यही वोल्टेज वीटीएच है, यही वोल्टेज टोटल यहाँ पर आउटपुट वीटीएच है। यहाँ से कोई करंट तो जा नहीं रही है, यहाँ की पोटेंशियल जीरो, तो ए और बी के बीच में उतना ही वोल्टेज है जितना यहाँ पर है, या जितना यहाँ पर है, या जितना यहाँ पर है, एक बराबर है। ठीक, तो ये वोल्टेज निकालने के लिए मैंने देखा 12 एम्पियर की करंट मुझे गिवेन है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, करंट के एंटरिंग पॉइंट के हिसाब से 12 3 36 वोल्ट यहाँ पर। ठीक, अब मैं टोटल वीटीएच अगर देखूँ तो +10 +36 दैट इज इक्वल टू 46 दिखता है। कोई केवीएल केसीएल मैंने लगाया क्या? कुछ नहीं लगाया, डायरेक्ट बनाया मैंने, डायरेक्ट के डायरेक्ट इस सोर्स का यूज करके सॉल्व कर दो, 46 वोल्ट इज योर वीटीएच बिना किसी डाउट के यार। ये सब छोटे छोटे फंडामेंटल से ही हमको पता रहना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में मास्टर स्ट्रोक ऐसे नहीं लगता है, बनता सभी से है, केवीएल वाला भी बना लेगा, केसीएल वाला भी बना लेगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी बना लेगा, बट आगे वही निकलेगा जो इसको शॉर्टकट तरीके से, मस्त तरीके से बना ले, वो टाइम बचाएगा और वो बड़े क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेगा उस बचे हुए टाइम से। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ एनी टू टर्मिनल एलिमेंट एंड इज नॉट हैविंग द कंस्टेंट ऑफ लीनियरिटी। देखिए ऐसा आपको इसके अंदर से थ्योरम ढूंढना है, आखिरी में ये लिख दिया कि नॉट हैविंग द कंस्टेंट ऑफ लीनियरिटी। टू टर्मिनल तो चलो ठीक है समझ आ गया, एनी टू टर्मिनल बोल दिया, एनी टू टर्मिनल में क्या क्या आता है भाई? टू टर्मिनल में आर आता है, सी आता है, एल आता है, यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इस टू टर्मिनल में ये भी आता है, डायोड भी आता है। हाँ, इस टू टर्मिनल के अंदर ये, अच्छा चलो ये तो 3 टर्मिनल हो गए, ये इस गेम से बाहर है। ठीक है, ये इस गेम से बाहर है, लेकिन ये लोग तो आते हैं ना, ये तो आता है इसके अंदर, और डायोड आ गया तो फिर लिनियरिटी का सिस्टम ही खत्म हो गया, फिर तो नॉन लिनियर यूनिलैटरल एलिमेंट्स हो गए। तो ऐसा कौन सा थ्योरम है जो इन सब पे लागू हो सकता है? लिनियरिटी की कंस्ट्रेंट तो चाहिए ही नहीं उसको। देखिए लिनियरिटी हट गया तो सुपर पोजिशन हट गया, सुपर पोजिशन और लिनियरिटी का जो रिश्ता है वो डायनासोर और अर्थ का रिश्ता है। ठीक है, और लिनियरिटी हटी तो वो भी डायनासोर के हटने के जैसे गायब हो गया यहाँ से। ठीक, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, भाई बीच का जो नेटवर्क है वो पैसिव बाइलैटरल लम्प्ड इतना होना चाहिए, तो ये भी हट गया फिर तो। नॉर्टन्स थ्योरम, लिनियरिटी का फंडामेंटल इस पर भी चलता है। एक टेलिजेंस ही है जिसको इन सब से कोई मतलब नहीं होता, टेलिजेंस थ्योरम बस इतना बोलता है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क मत लाना, आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बस मत देना, इसको छोड़ के आप जो भी नेटवर्क दोगे सब पर टेलिजेंस थ्योरम एप्लीकेबल है ना। टेलिजेंस थ्योरम किस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं? समेशन ऑफ वी ऑफ के आई ऑफ के इक्वल्स टू जीरो, वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, के वेरीज फ्रॉम 1 to n, के की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, सो इन दैट कंडीशन द पावर इन द सर्किट इज इक्वल टू जीरो, पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड इन ऑल ऑफ इट्स ब्रांचेस, पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू पावर डिसिपेटेड, सॉरी उस कंसेप्ट के हिसाब से ये बेस करता है। ठीक है, सो दिस इज इंटेलिजेंस थ्योरम, इसमें कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं रहता है कि लीनियर एलिमेंट्स पर ही लगेगा, नॉन लीनियर पर भी लगा सकते हो, बाइलेटरल की जगह यूनिलेटरल एलिमेंट्स का सर्किट है तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, इसी के साथ साथ बात करते करते, और लिखा हुआ है इफ द फ्लक्स लिंकेजेस आर कॉन्स्टेंट इन एन इंडक्टिव सिस्टम तो इससे क्या होगा? अगर फ्लक्स लिंकेज कॉन्स्टेंट है इंडक्टिव सिस्टम पर तो उससे क्या होगा? करंट इन द सिस्टम जीरो हो जाएगी, सडन चेंज इन द करंट, देखिए लॉजिक ये बोलता है कि इंडक्टिव सिस्टम है तो सडन चेंज इन करंट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर तो मुझे यहीं पे मिल गया। ठीक है, द वोल्टेज इन द सिस्टम विल बी जीरो, द सडन चेंज इन द वोल्टेज, अगर कैपेसिटिव सिस्टम होता तो ये आंसर होता, डी ऑप्शन। ठीक है, लेकिन आप देखिए फ्लक्स लिंकेज, इसको दूसरे लॉजिक से भी आप समझ लीजिए, फ्लक्स लिंकेज एन फाई इज इक्वल टू एल आई वाले फंडामेंटल से। ठीक, फ्लक्स लिंकेज जो है इसको इस फॉर्म से भी आप शो कर सकते हो, एन फाई इज इक्वल टू एल आई, दिखा सकते हैं हम लोग ऐसे। अगर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं
तो आप देखिए ये वैल्यू पूरी की पूरी जो है दिस इज कांस्टेंट, ठीक। तो सडन चेंज इन आई को ये अपोज करेगा हर कंडीशन पर, ऑप्शन बी जो है दैट इज द राइट आंसर। बट चलो लॉजिकल था ये क्वेश्चन। तो अगले सवाल पे आ गए हम लोग। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर इक्विपोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट पूछा आपको, ट्रैप नहीं होना इस क्वेश्चन में, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कौन सा वाला सही नहीं है, तो पहले सही क्या है वो देख लेते हैं। देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट ऑन दिस सर्फेस। क्यों नहीं? क्योंकि इक्विपोटेंशियल है ना, करंट की फ्लो के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। इफ देयर इज नो डिफरेंस इन द करंट, इफ देयर इज नो डिफरेंस इन द पोटेंशियल, देन नो करंट इज गोइंग टू फ्लो। दोनों जगह पोटेंशियल बराबर है, करंट कैसे फ्लो होगी? इसको हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल चाहिए, तब हाई से लो की तरफ करंट का फ्लो होता है। तो ए ऑप्शन सही है, लेकिन आंसर हमारे इस क्वेश्चन के आधार पर गलत है। बी ऑप्शन बोलता है दैट पोटेंशियल इज डिफरेंट एवरीवेयर। अगर डिफरेंट होता तो इक्विपोटेंशियल क्यों होता? यही राइट आंसर है हमारे क्वेश्चन का। वैसे ये ऑप्शन इक्विपोटेंशियल के हिसाब से गलत है, लेकिन हमको गलत वाला ही पूछा है, तो ये हमारे क्वेश्चन में सही हो गया। वर्क डन इज जीरो टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सर्फेस। वर्क डन जो होता है, देखिए अगर इक्विपोटेंशियल सिस्टम है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क डन नहीं होगा। इसका छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। इक्विपोटेंशियल सर्फेस आप फिजिक्स में अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, मैं आपको सर्किट्स के फॉर्म में बताता हूँ। देखिए जैसे आप सर्किट सॉल्व करते हैं, मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई सर्किट है, इस तरीके की। अब जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर, ठीक है, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, मान लो केसीएल से बना रहे हो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, वन टू थ्री, ये तीन जगह आपको ऐसे जंक्शन दिख गया, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई यहां पर आप इसको ग्राउंडेड ले लो और इस सभी पॉइंट्स को यहीं पर जोड़ दो, इस वाले सेक्शन को भी यहीं पर कनेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक क्या है? इक्विपोटेंशियल है। आइडियल कंडीशन पे मैं देखूंगा तो ये इक्विपोटेंशियल सेक्शन दिखेगा मुझे, ये पूरा एक ही पोटेंशियल पर है, तो यहां कोई डिफरेंस नहीं है, यहां कोई वर्क डन नहीं होगा, चार्ज को यहां से यहां भेजने में कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी टाइप का वर्क डन यहां हो नहीं रहा है। वर्क डन इज जीरो टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अनदर पॉइंट ऑन द सर्फेस। ये भी वैसे राइट है इक्विपोटेंशियल के लिए, बट अपने ऑप्शन में गलत है। द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर ऑन द सर्फेस। बी और डी कॉन्ट्राडिक्ट्री है एक दूसरे से, लेकिन ये इक्विपोटेंशियल के लिए सही है, क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है, ठीक। तो बी ऑप्शन अपना फाइनल राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल क्या लिखता है? यहाँ पे आर्क लैम्प दिखाई दे रहा है, यूडब्ल्यूटी आ चुका है मतलब, ठीक है। एन आर्क लैम्प ऑपरेट्स एट, कार्बन आर्क लैम्प जो है हमको दिखाई दे रहा है, सिनेमा प्रोजेक्टर में इसको हम लोग यूज करते हैं, कई बार पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छा हाई ल्यूमिनस आउटपुट जो है हमको इसके अंदर से मिलता है। बट इसके साथ एक दिक्कत है कि इसका एनोड साइड जो है वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाता है, जल्दी जल्दी डिटीरियोरेट होता है, इसलिए हमारी मजबूरी है इसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है हमको, ठीक। बहुत ही बढ़िया। तो आपको बोलता है आर्क लैम्प ऑपरेट किस पे करता है, आर्क लैम्प किस पे ऑपरेट करता है? देखिए किसी भी टाइप का ऐसा डिस्चार्ज लैम्प या आर्क लैम्प जो होता है, इसकी पावर फैक्टर बहुत खराब रहती है, पुअर पावर फैक्टर रहता है और लैगिंग पावर फैक्टर रहता है। इवन देखिए एसवी लैंप, एमवी लैंप के केस में, नियॉन लैंप के केस में, आप कैपेसिटर अटैच करते हो वहां पर उसकी पावर फैक्टर को इनहेंस करने के लिए, तो एक तो पावर फैक्टर लो है और दूसरा लैगिंग कंडीशन पर है। लो एंड लैगिंग शुड बी इट्स राइट आंसर, दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी, ठीक है। लीडिंग का सवाल ही नहीं उठता, यूनिटी का सवाल नहीं उठता, लैगिंग में हाई बोल दिया, हाई पावर फैक्टर इनमें से किसी भी लैंप का नहीं होता है जब तक कि वो रेजिस्टिव लैंप ना हो जाए, मतलब रेजिस्टेंस बेस्ड लैंप या ऐसा रेजिस्टिव सर्किट वाला लैम्प जो है जब तक ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूडब्ल्यूटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एसएससी जेई पेपर टू की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाना है भाई आपको कॉपी में, ठीक है। ये सब काम के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। लिखा हुआ है लाइट सोर्स हैविंग एन इंटेंसिटी ऑफ 400 कैंडल पावर, 400 सीपी आई की वैल्यू, दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए ये आई की वैल्यू गिवन है। इस फिटेड विद अ रिफ्लेक्टर, ऐसे रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, देखिए ये ऐसे रिफ्लेक्टर्स होते हैं, यहाँ पर जब हम लैंप लगाते हैं तो इनके हेल्प से ये बाहर फोकस करते हैं उस रोशनी को। तो लिखा हुआ है कि विद अ रिफ्लेक्टर सो दैट इट डायरेक्ट 70% ऑफ इट्स लाइट अलॉन्ग अ बीम हैविंग अ डाइवर्जेंस एंगल ऑफ 5 डिग्रीज। क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े वर्ड सुन करके आधे स्टूडेंट क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, सर खतरनाक कुछ लिखा हुआ है, डाइवर्जेंस एंगल एंगल बोल रहे हैं, हम तो पढ़े नहीं इस चीज़ को। आपको मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे अरे सर ये था इतना आसान, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा, डाइवर्जेंस एंगल 5 डिग्री का दिया हुआ, टोटल फ्लक्स एमिटेड अलोंग द बीम, अच्छा ठीक है, टोटल फ्लक्स एमिटेड अलोंग द बीम, फाई की वैल्यू पूछा हमको, फाई की वैल्यू क्या हम लोग लिखते हैं, सीपी इंटू ओमेगा, कैंडल पावर मल्टीप्लाइड विद सी रेडियंस लिखते हैं, सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड विद कैंडल पावर के फॉर्म में, ठीक है ठीक है ठीक है भाई ठीक है। सो इसको क्या लिखें,
पाई इज इक्वल टू कैंडल पावर, कितना दिया है क्वेश्चन? कैंडल पावर सवाल के अंदर कितना दिया हुआ है? 400 का दिया हुआ है। ठीक, अभी ये 70% का क्या करना है और 5 डिग्री का क्या करना है, दोनों मैं आपको बताता हूँ। देखिए सीपी की वैल्यू कितनी गिवन है, 400। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई के फॉर्म में। ठीक, एक चीज़ और चाहिए मुझे यहाँ, मुझको वो 70% के फॉर्म में यूटिलाइजेशन का फॉर्म जो है वो दिया हुआ है कि हम उसको कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं। 400 कैंडल पावर टोटल है और हमको सिर्फ 70% मिल पा रहा है, मतलब 70% रिफ्लेक्ट होके बाहर आ रहा है, बाकी का जो है वो गया, वेस्ट हो गया। 70 मतलब 0.7, इसकी यूटिलाइजेशन को भी मैं मल्टीप्लाई करूँ तब तो मुझे टोटल फ्लक्स निकल के आएगा ना यहाँ से। ठीक, और इसका क्या करना है, हैविंग अ, देखिए, ऑफ लाइट अलॉन्ग अ बीम हैविंग अ डाइवर्जेंस एंगल ऑफ 5 डिग्री। मुझे क्या मतलब है डाइवर्जेंस एंगल से, मुझे तो 5 टोटल पूछा ना यहाँ पर, यहाँ पर टोटल फ्लक्स एमिटेड पूछा, डाइवर्जेंस एंगल का क्या करोगे आप, आपको क्या लेना देना उससे? आपको अगर इल्यूमिनेशन पूछता, आई वगैरह की वैल्यू पूछता, आप डाइवर्जेंस एंगल देखते, आप देखते कितना बीम स्प्रेड हो रहा है, एरिया आपको बताता, तब वो काम का डेटा होता। क्या यहाँ पे ये डेटा कोई काम का है क्या? यूजलेस डेटा है ये। इस 5 डिग्रीज का डाइवर्जेंस एंगल इज अ एक्स्ट्रा डेटा, आपके लिए रिडंडेंट है ये डेटा, छोड़ दो इस डेटा को, कोई मतलब का नहीं है, सॉल्व कर दीजिए इसको। जितना मैंने लिखा है बोर्ड पर आप इसको सॉल्व करिए और चेक करते हैं, देखते हैं। 4 4 16, 16 × 7, 16 × 7, 7 6 42, 2 4 7 7, 8 9 10 11, 1 1 2 0 0, 2 0 है ना, इंटू पाई, 11,200 टाइम्स ऑफ पाई, इतना ल्यूमेंस का आंसर आ रहा है। अब देखते हैं अगर पाई को भी आगे सॉल्व किया होगा तो पाई को भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, फिलहाल के लिए इतने पे छोड़ देते हैं। 11,200 पाई इज माई आंसर, दिस इज द टोटल ल्यूमेंस जो वहां पर मिल रहा है हमको। और मैंने एक जीरो शायद ज्यादा लगा दिया क्या, 16, अच्छा 0.7 था ना, 7 थोड़ी ना था, तो ये 2 जीरो में से 1 जीरो कट जाएगा, तो सॉरी 1120 पाई। अब आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, 400 था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि 0.7 है, मेरे दिमाग में मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, मैं 7 ही सोच रहा था इसको, तो मुझे लगा 7 × चल रहा है। ठीक है, 0.7 था तो 1 जीरो यहाँ से माइनस हटा दो, मतलब तो 1120, 1120 नहीं, बी नहीं, डी ऑप्शन, 1120 × पाई, यहाँ पे बी पे अपॉन पाई दिया हुआ है इसलिए वो गलत है। ठीक है, अपॉन पाई दिया हुआ है, दैट इज वाई इट इज द रॉन्ग आंसर। अपना डी ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट। तो समझ गए आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ये जो 70% दिया था यहीं पे मेन खेल था, अगर इसको आप समझ जाते तो बाकी डेटा से तो आपको फॉर्मूला याद ही है, पता है आपको डेटा। ठीक है, आपको बस इतना बोला कि रिफ्लेक्टर का यूज करके वो 70% को डायरेक्ट कर रहा है और वो जो बीम है फिर उसकी डाइवर्जेंस दे दिया, मुझे उसकी डाइवर्जेंस से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द आईएस स्पेसिफिकेशन द इनकैंडिसेंट लैम्प शुड बी हैंग्ड एटलीस्ट, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ये, पढ़े होंगे तो आपको आएगा एग्जामिनेशन में, इसको नहीं पढ़े होंगे नहीं आएगा, इसमें कोई ऐसा सॉल्व करने वाला सीन नहीं है। आईएस का स्पेसिफिकेशन है, आई रूल्स हैं, ये सब हमको अगर हम पढ़े हुए हैं तो ही ध्यान रहेगा। तो इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ, दिस इज 2.5 मीटर। इनकैंडिसेंट लैम्प जो है फ्लोर से ऊपर की इसकी हाइट, इसको हैंग अगर कर रहे हो आप रूफ पर या सॉरी सीलिंग पर, तो सीलिंग पर, सीलिंग से फ्लोर के बीच की हाइट, यानी इसको हैंग करने से फ्लोर के बीच की हाइट जो है वो 2.5 मीटर मिनिमम रिकमेंडेशन होती है एज पर द आईएस रूल। तो 2.5 है अपना आंसर। ठीक है, ऐसे ही स्पेसिंग पूछता है आपको लैम्प्स के बीच की। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन होता है इसी के साथ कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ सिम्बॉल बना हुआ है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है, द सिम्बॉल शोन हियर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो सिम्बॉल है इनमें से किसका सिम्बॉल है? ठीक है, ट्यूब लैम्प, फ्यूज, पॉलीफ्यूज या आइसोलेटर का, इनके बेसिक बेसिक टॉपिक्स जो है मैंने आप लोग को बताए हुए, इनके सिंबल्स भी हम लोग देखे हुए हैं, आज की क्लास में भी इनके सिंबल्स जो है उनको एक बार फिर से देख लेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊं कि देखिए ये कनेक्शन जो है और इसके ऊपर ऐसा जेड जैसा जो कनेक्शन दिखाई देता है, देखिए अगर इस जेड वाले पॉइंट को मैं हटा दूँ तो ये एक फ्यूज का सिम्बॉल हो जाता है, लेकिन जब इसके ऊपर मैं ये सिम्बॉल लगाता हूँ तो दिस बिकम्स अ पॉलीफ्यूज, दिस बिकम्स अ सिम्बॉल ऑफ पॉलीफ्यूज। और भी सिम्बॉल्स होते हैं उनको देखते हैं जरा, ये चारों के ही सिंबल्स इनफैक्ट देख लेते हैं। देखिए फ्लोरेसेंट ट्यूब लैम्प जो है उसका जो सिंबल रहता है वो ऐसा रहता है, ऐसे ये ट्यूब का शेप यहाँ पर बना हुआ है और ये इसके दोनों इलेक्ट्रोड सेक्शंस को दिखाने के लिए है, ऐसा। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब लैम्प। अच्छा, उसके साथ ये बेसिक फ्यूज का सिंबल आप देख सकते हैं इसी के जैसा है, बस इसके अंदर ये जेड नहीं बना होता है। फिर उसके बाद देखिए फ्यूज विथ आइसोलेटर, फ्यूज विथ आइसोलेटर ये स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, वैसे ही डबल ब्रेक आइसोलेटर आप देख सकते हैं, ये डबल ब्रेक आइसोलेटर दो ऐसे टर्मिनल्स दिखाई देते हैं और बीच में एक मूवेबल स्विच के फॉर्म में रहता है, और दूसरा जो है वो पॉलीफ्यूज, पॉलीफ्यूज को इस तरीके से भी आपको दिखा सकता है। ठीक
है, तो ये इसका बेसिक सिंबल है। ऐसे सिंबल्स जो हैं आई रूल्स के साथ साथ ये सिंबल्स का भी क्वेश्चन एस्टिमेशन कॉस्टिंग में बड़ा कॉमन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चलिए लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लिखा हुआ है इन CEA 2003 सेक्शन 135। सेक्शन 135 बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इससे और भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेक्शन 135 जो है वो किस में डील करता है? सेक्शन 135 डील्स इन द थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में डील करता है और उससे जुड़े हुए प्रोविजन जो है वो इसके अंदर एक्सप्लेन्ड है। आपको CEA 2003 की PDF जो है वो भी मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, अगर आप कनेक्टेड हैं तो। ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में से किसी भी एक जगह पर आप चेक कर लीजिएगा। ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है आपको वहां पर मिल जाएगी, यू कैन ज्वाइन द ग्रुप थ्रू दैट, और मस्त तरीके से ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट PDF से आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन अब करते हैं यहीं पर एंड। आई होप जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया आपको एकदम मस्त तरीके से क्लियर हुआ होगा। आज होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए नहीं रख रहा हूं मैं, तो रिलैक्स करिए एकदम मस्त टाइप से। कल ही दीपावली आप लोगों ने सेलिब्रेट किया हुआ है, आज रिलैक्स रहिए। अगले आने वाले सेशंस पे आपको फिर से होमवर्क क्वेश्चन मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन पे बताइएगा आपको कौन से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा, जरूर से ये चीज लिखिएगा। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग द सेशन। जय हिंद।